हेलो एवरीवन, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और बस आज 1 तारीख हो गई है, कितने ऑलमोस्ट 4 हफ्ते भी नहीं पूरे हमारे पास, 28 को तो पेपर है। और आज जो टॉपिक है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं हर बार कहता हूँ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, बट अगर नंबर सिस्टम की बात करो ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम है। इसीलिए हर उसका एक सेशन था, हर चैप्टर की जैसे परसेंटेज की बात हो, प्रॉफिट लॉस की बात हो, बट नंबर सिस्टम के मैं 2 सेशन लेकर पार्ट 1 और पार्ट 2। आज वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 1। वेडनेसडे को आपके पास आने वाला है इसका पार्ट 2। तो जितने क्वेश्चन कराऊंगा भाई, कर लेना ध्यान से। और प्लीज़ 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 मैं आपको भी बता रहा हूँ, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं ना मिले, विद सोल्यूशन चाहिए हो, तो माइक्रो कोर्स सबसे अच्छा तरीका है। मैं भी बता रहा हूँ आपको, माइक्रो कोर्स को करो, सी सेट की टेंशन भूल जाओ। एक्चुअली में ये बात है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस करने में जाओगे। अब बता क्या टाइम है, अब टाइम है फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट ही बच्चों नंबर सिस्टम है। वो टाइम नहीं कि मैं पूरा सी सेट के लिए पूरा क्वांट तैयार कर लूं, इट इज नॉट पॉसिबल। आओ और भूल के कोशिश करना भी मत कि आज आप स्टार्ट कर रहे हो, नहीं जी नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए। एक दिन मैं भी वो वीडियो भी लाने वाला हूँ कि से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, वो एक दो दिन में या जैसे भी होगा कंफर्टेबल मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। बट नंबर सिस्टम बच्चों का ऐसा टॉपिक है ना, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आपके सी सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बच्चे करते क्या हैं, सी सेट को बड़ा कैजुअली लेते हैं, सी सेट को बड़ा कैजुअली लेते हैं, नंबर सिस्टम को तो और भी चलो ठीक है, डिविजिबिलिटी होगी, ये हो गया वो हो गया। आज के क्वेश्चन देखना आपको पता चलेगा, एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी हैं इसमें, आपको पता चलेगा व्हाट इज द लेवल ऑफ यूपीएससी सी सेट। डन, सो लेट मी डिस्क्राइब दोस क्वेश्चंस। चलिए अब पहला ही क्वेश्चन ले लो भाई, ये कब आया था मेरे पास, ये 2020 प्रीलिम्स पार्ट बी में आया था। लेट पी के ओ आर एस टी बी नेचुरल नंबर सच दैट पी माइनस 2016 इज इक्वल टू क्यू प्लस 2017 इज इक्वल टू आर माइनस 2018 इज इक्वल टू एस प्लस 2019। बताओ मुझे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हाउ डू डू दिस क्वेश्चन, देखो सबसे पहले मैंने क्या करना है, कोई भी एक नंबर उठा लो, मैंने सबसे एंड वाला उठा लिया है, लेट किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उस हिसाब से दूसरा नंबर आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। देखो इसका मतलब अगर मैं यहाँ करूँ, देखो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो ना, किसी एक नंबर को पिक कर लो, जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं किसी एक नंबर को पिक कर लो और उसको पिक करके चल लो। जैसे मैंने अगर एस को पिक किया, जैसे मैंने एस को पिक किया तो मेरे पास इन दोनों का सबसे पहले रिलेशन बिल्ड आउट हो रहा है। सो आर माइनस ऑफ 2018 इज इक्वल टू एस प्लस 2019, ठीक है जी। सो आर माइनस 2018 वन प्लस 2019, सो आर माइनस 2018 इज इक्वल टू 2020, सो आर कितना आ गया 2020 प्लस 2018 यानी कितना 4038, सो आर मेरा कितना आ गया 4038, isn't it? Yes, हाँ भाई क्लियर हो गया। अब देखो अब नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, पी माइनस, अब मैं पी और आर को ले लूँ। अगर मैंने लिखा पी माइनस 2016 इज इक्वल टू आर माइनस 2018, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो पी माइनस 2016 आर कितना 4038 माइनस 2018, तो ये कितना गया पी माइनस 2016 इज इक्वल टू 2020, क्लियर है जी। सो पी कितना आ गया 2020 प्लस 2016, तो 4036 आ गया पी। डन, पी कितना आ गया मेरा 4036, क्लियर। चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब क्या बचा, देखो मेरे पास ऐसा आ गया, ओके मेरे पास आर आ गया, मेरे पास पी आ गया, तो अब मैं इनको कंपेयर कर दूं। चलो भाई यहीं कंपेयर कर लेते हैं, आसान सा लग रहा है। तो पी माइनस 2016 इज इक्वल टू क्यू प्लस 2017, तो पी कितना है 4036 माइनस 2016। आंसर तो आपको पता चले गया होगा अभी तक क्या है,
क्यू प्लस 2017, तो कितना होगा ये 2020 माइनस 2017 इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू कितना आ गया, तो आंसर तो मेरा मुझे आर लग रहा है। आप बताओ, नोट करो फटाफट इसको। हाँ जी, तो आंसर कितना आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर सी आर। अब आपको अगर लगता है कोई और नंबर पुट करना चाहिए, डेफिनेटली यू कैन पुट, आंसर जब भी यही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, चलो, व्हेन 2024 और 2 रेस्ड बाय 24 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज, बताओ क्या आएगा रिमाइंडर, कितना बचेगा शेषफल, शेषफल कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें रिमाइंडर की बात करनी है। अच्छा, कटिंग वटिंग कराई भाई, बड़े दिनों को थे कटिंग कराए, बल्कि भाई साहब कहने लगे करल करा लो, मैं क्यों करा लो भाई, इसमें अच्छे लग रहे हैं, काम अच्छा होना चाहिए, आदमी की अपीरेंस में क्या रखा, एक्चुअली में ये तो होता है, अपीरेंस में कुछ नहीं, आपकी आपकी नॉलेज बोलनी चाहिए कि जब आप कहीं खड़े हो ना, वो कहते हैं ना फूल कहीं पे भी हो, जंगल में भी क्यों ना हो, बट उसकी महक दूर तक जाती है, बस उस पुष्प उस फूल की तरह बनिए और चलते चलिए, बस आपको ऑफिसर बनना है, ठीक है ना। चलो भाई, वेन 2 रेस्ड बाय 24 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 7, देखो 2 रेस्ड बाय 24, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का क्यूब और रेस्ड पावर 8 माइनस 1 बाय 7, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 8 रेस्ड टू पावर 8 माइनस 1 बाय, तो ये क्या होगा, 7 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 8 माइनस 1/7, तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास, 1 रेस्ट टू पावर 8 माइनस 1/7, तो कितना आ गया मेरा, 1 माइनस 1 यानी कितना, 0। समझ आ गई बात, शॉर्टकट्स हैज़ टू बी देयर, ठीक है। अगर डेप्थ में समझना है कैसे है, तो भैया माइक्रो कोर्स में पूरा डिटेल में बता रखा है, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। ये अपना रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, अगर पूरे करना हो तो माइक्रो कोर्स में डिटेल में बता रखा है, आप बढ़िया से आपको समझ भी आ जाएगा। चलिए चलिए, इफ अ 9 डिजिट नंबर 87605 x31y डिवाइडेड बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके डिविजिबिलिटी रूल का। देखो साफ सी बात है भाई, डिविजिबिलिटी रूल बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट आता है और मजेदार क्वेश्चन आता है, उसी में से मजेदार क्वेश्चन आपके सामने है। द क्वेश्चन है 87605 x31y डिवाइडेड बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस ऑफ 3y, हाउ विल यू मतलब एक तरह से अगर मैं बोलूं अप्रोच कैसे करोगे इस प्रश्न को, हाउ विल यू अप्रोच, हाउ विल यू आइडेंटिफाई किए, क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ विल, लेट मी एक्सप्लेन। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं 72 को लूँ, देखो अगर आप करने गए यहाँ पे, अगर सिंपल एक नंबर होता ना, मैं एक्स और वाई की बात करता, हिट एंड ट्रायल कर लेता, बट दो नंबर्स में ना हिट एंड ट्रायल वाला कॉन्सेप्ट आपका डेफिनेटली फेल है, तो डोंट ट्राई दिस एट होम। वो आती थी ना पहले, वो एड आती थी वही WWE वाली, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, बस वो वाली बात है। तो ऐसे प्रश्न मत करो, उलझ जाओगे। वट आई एम ट्राइंग टू टीच इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इट्स अ नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। सो नाउ फैक्टर्स ऑफ 72 आर 9 and 8। देखो अब ये फैक्टर्स लेने कैसे, बिकॉज कोई बच्चा कहेगा 36 गुना 2 भी तो हो सकते हैं, मुझे हमेशा को प्राइम फैक्टर पिक करना है स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम, एक नंबर है मेरा को प्राइम, क्या होता है आपको पता है, देखो को प्राइम क्या होता है, इसको मैं लिखूं 1 into 9 1 into 8, जिनके बीच में सिर्फ 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं होता, दे आर को प्राइम इन नेचर, जैसे 3 और 5, 7 और 9, 11 13, दीज आर कॉम्प्राइम नंबर्स, कि जिनमें सिर्फ एक ही नंबर मेरा कॉमन है, वो है मेरे पास 1। समझ आ गई बात, यानी ऑल प्राइम नंबर्स आर कॉम्प्राइम इन नेचर, यस यू कैन सी दैट। समझ आ गई बात, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 1, गलत, 2 होता है, जिनको 1 था वो 2 होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, वो माइक्रो कोर्स नंबर सिस्टम में पूरा बताया, नहीं करोगे तो आपका घाटा, अपन का कुछ नहीं जाता। समझ आ गई बात, चलो अब मेरी बात सुनो, देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 8 पता होनी चाहिए। अब जिन बच्चों ने माइक्रो कोर्स लिखा वो तो देखा हुआ हमारा, वो तो एकदम कह देंगे सर लास्ट 3 नंबर्स हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 8, डन। अब देखिए जरा, अब लास्ट 3 नंबर्स की बात करूँ, 3 1 y है,
थ्री वन वाई है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे वाई की वैल्यू को? हाउ विल यू आइडेंटिफाई? देखो वाई अगर मैं वन पुट करूं 311/8, ये ऑड नंबर, ये गिवन नंबर है, ऑड नंबर है, कभी भी नहीं काटेगा, तो वाई यहां पे आपको पुट करके देखना पड़ेगा। वेन वाई इज इक्वल टू 2, ये कितना हो गया 312/8, तो क्या कट रहा है? देखो 8 3 24, 7 2 8 72 39। इस केस में आपको मैक्सिमम में मिनिमम नंबर पे जाना हो तो ध्यान रखना, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है? तो वाई कितना आ गया मेरे पास, वाई मेरे पास आ गया 2, तो नंबर क्या बना 87605x312। समझ आ गई बेटा बात, यस और नो? तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा या समझ आ भी रहा है तो कमेंट ज़रूर करना आपने कि क्या दिक्कत आई, समझ आ गई बात? नेक्स्ट देखिए, अब मेरे पास क्या है, अब देखो मेरे पास कोई भी नंबर 9 से कब डिवाइड होगा, जब उसका सम 9 से डिवाइड होगा। तीन वाला कॉन्सेप्ट चलेगा इसमें, तो ये कितना हो गया, तो वाई की अगर बात करूँ, वाई आ गया मेरे पास 2, तो 8 7 15 5 20 21 21 26 27 29 30 32, तो 32 आ गया, 32 प्लस एक्स, तो क्या एक्स की वैल्यू 4 बोल दूँ? यस, यस और नो? वेरी इज योर एक्स और वाई की दोनों मेरे भाई, एक आपने ट्राई करना है कि आप एक बार वाई निकाल लो, तो बस निकालना क्या मुझे, देखो क्वेश्चन में 2x माइनस ऑफ 3y यानी 2 इंटू एक्स कितना है 4 माइनस 3 इंटू 2 8 माइनस 6 कितना आ गया आपके पास 2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताओ इस क्वेश्चन को मैं कैसे पॉजिटिवली लेके चलूँ, ऐसे लेके चलूँगा, समझ आ गई बात? अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी ये, क्लियर? नोट कीजिए फटाफट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं। चलो नेक्स्ट इज 7 रेस पर 83 प्लस 73 रेस पर 83 इज डिवाइडेड बाय 36 द रिमाइंडर इज, बताओ जरा क्या रिमाइंडर होगा इस केस में, क्या हुआ आपने क्वेश्चन, बताओ मुझे क्या पूछ रहे हो। देखो अगर मैं इसको लिखूं 71 रेस टू पावर 83 प्लस 73 रेस टू पावर 83 डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास, देखो अगर मैं आपसे बात करूँ सिंपल 71 बाय 36, इसमें आप क्या बोलोगे सर, रिमाइंडर या तो 35 आएगा या रिमाइंडर होगा माइनस वन। माइनस वन कैसे, इसको कैसे लिखोगे, 72 माइनस 1/36, यहाँ से उठ गया 72 से तो कट गया 36, 2 है 55 वही माइनस का, तो इस केस में क्या होगा, देखो पावर्स मेरे पास ऑड है, तो 72 माइनस 1 रेस्ट पावर 83 अपॉन 36 प्लस 72 प्लस 1 रेस्ट पावर 83 अपॉन 36, तो ये कितना है -1 रेस्ट पावर 83 प्लस 1 रेस्ट पावर 83 डिवाइडेड बाय 36, आंसर कितना गया 0 बिकॉज न्यूमरेटर में बचा ही कुछ नहीं, समझ आ गई बात? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, दीज आर सम बेसिक क्वेश्चन, दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीज आर सम लॉजिकल क्वेश्चन। लॉजिकल एक और भी चीज़ है, वो है मेरे पास माइक्रो कोर्सेज, यार अभी नहीं तो कभी नहीं, वैन 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 कब करोगे, वो कहते हैं ना भाई आज करे सो अब कर, बस काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, तो भैया अभी करने का सही समय है माइक्रो कोर्सेज को, बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ऐसे तगड़े कॉन्सेप्ट, इससे जबरदस्त कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, बिकॉज अभी मैं क्या करा रहा हूँ मुझे पता है, और माइक्रो कोर्सेज में क्या है आपके 15 से 20 क्वेश्चंस आ सकते हैं, समझ रहे हो? सी सेट की बात करूं तो 10 नंबर का भी आता, 12 का 15 का आ जाता, वेटेज बन जाती है इसकी, 5 7 8 10 क्वेश्चन अगर आ गए तो समझो कैसे हैंडल करोगे इसको, बिकॉज यही एक चीज़ है जो बच्चों को थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबल लगती है बेटा। 3 4 लेक्चर से कर लो इसको, सुखी रहोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी भी करूंगा जब माइक्रो कोर्स की डिस्कशन तो बताऊंगा आपको मैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ आपके, और अगर आज मैं बोलूँ ना कि आज के लगता सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं होगा। देखो क्या दिया, 4 डिजिट नंबर आर टू बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 एंड नन ऑफ दिस 4 डिजिट नंबर आर रिपीटेड इन अ मैनर दैट 2 3 इमीडिएट फॉलो नहीं कर सकते, मतलब 2 और 3 एक साथ नहीं आ सकते कहीं पर भी, ठीक है, फॉलो ईच अदर। 1 is not be immediate followed by 3 यानी 1 3 एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, ठीक है, मतलब फॉलो नहीं कर सकता 3 1 को, हाँ ठीक है। 4 लास्ट पे नहीं आ सकता, 1 is not appear एट द फर्स्ट प्लेस, तो 1 मेरे पास फर्स्ट पे नहीं आ सकता और 4 मेरे पास लास्ट पे नहीं आ सकता, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है,
मुझे बताना है, सिंपल क्वेश्चन है, बट समझ के करो इसको कैसे करना है। डन, चलो देखो जरा। सबसे पहले मैं लिखूं केस वन, टू एट द एंड प्लेस, टू एट द एंड प्लेस। देखो एक दो तीन चार, दो अगर एंड पे आ गया, सपोज करो मेरा दो अगर एंड पे आ गया तो मैं क्या कर सकता हूं। दो एंड में आने का मतलब क्या है पहले तो ये बताओ मुझे। देखो उसने क्या बोला कि आपके पास दो और तीन सात ही नहीं होने चाहिए, तो तीन ही आ सकता है। और उसने बोला ए बी छोटा है बेटा फोर, एक वन पे ना, तो डेफिनेटली एक यहां आ सकता है और फोर यहां आ सकता है, क्योंकि फोर तो आ सकता है ना, फोर लास्ट पे नहीं आ सकता, बट फोर मेरा वन पे तो आ सकता है। डन, चलो जी नेक्स्ट देखो जरा क्या और कुछ हो सकता है। एक दो तीन चार दो, अगर मैं ऐसे कर दूं, अगर मैं तीन और चार को इंटरचेंज कराऊं तो कुछ बनेगा? अगर मैंने तीन और चार को इंटरचेंज करवा दिया तो क्या कुछ हो सकता है? यस, क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि भैया तीन या नहीं आ सकता, तीन चार एक दो बन गया, एक दो तीन चार। फर्दर देखते हैं क्या कोई केस पॉसिबल है मेरे पास, लेट मी थिंक। अब एक बात बताओ, उसने बोला कि दो और तीन इमीडिएट नेबर नहीं होने चाहिए, तो तीन डेफिनेटली यहां तो आ नहीं सकता, तो क्या इस केस में दो ही बनेगी? ऐसे इस केस में दो ही केस बनेंगे, क्योंकि तीन की पोजीशन ये हो सकती है, ये हो सकती है, तीन की पोजीशन ये नहीं हो सकती। समझ आ गया बात? तो मैंने लिखा जरूर था बट ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं, तो हाउ कैन आई बी एबल टू डू दैट। डन, चलो भाई जब मेरे पास टू एंड पे होगा तो मेरे पास दो इसके क्या बनेंगे, दो मेरे पास इसके केसेस बनने वाले हैं। ठीक है, तो क्या और कोई पॉसिबल है? सोचे देखो, क्या ये कोई और कॉन्सेप्ट इसका पॉसिबल है? मतलब दो अगर एंड पे आए, दो और तीन तो आ नहीं सकते भाई, तीन ही आ सकता है, तीन ही आ सकते हैं। सोचे देखो। अच्छा मैंने कह दिया फाइनल होगा, ऐसे कैसे? देखो अगर मैं तीसरा केस बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा? दो, अगर मैं इसे लिखूँ तीन एक चार दो, बन गया तीन एक चार दो, मेरा कहीं नहीं है, तो ये मेरे पास तीन केसेस हो गए बेटा। थोड़ा सा सोच के करना है क्वेश्चन को, हल्का सा, ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा सोच के इसको करना है क्वेश्चन को। डन, कि जब मेरे पास दो एंड पे आ रहा है तो मेरे पास इतने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, मतलब डिजिट्स कह रहा तीन केसेस बनेंगे। व्हेन केस टू, व्हेन वन एट एंड, चलो वन एट द एंड प्लेस, बताओ कैसे करोगे? जब वन आएगा एंड पे कितने केसेस बनेंगे बताइए। चलो देखो थ्री टू फोर, क्योंकि टू और थ्री एक साथ नहीं आ सकते, वन ही आ गया। अब टू और थ्री को इंटरचेंज करा तो बात ही खत्म होगी, क्योंकि फोर आपका लास्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, क्योंकि फोर को अगर मैं हिलाऊंगा तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? तो मेरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगी अगर फोर को हिलाऊंगा? तो दो और तीन इकट्ठे आ सकते हैं, तो इसके सिवा कोई केस बन ही नहीं सकता इस केस में। तो यहाँ से कितना आ गया दो। डन, लास्ट बात देखो जरा, केस थ्री, थ्री एट द एंड, जब तीन आपका एंड पे होगा, बताओ जरा जल्दी से, इसका एक ही केस पॉसिबल है? ज़्यादा समय लगाएंगे उस क्वेश्चन पे, इसका एक ही पॉसिबल है, बताओ कौन सा केस पॉसिबल है? जब आपका थ्री एंड पे आ रहा है तो कौन सा केस पॉसिबल है? तो यहाँ थ्री तो लिख दूं मैं जल्दी से, फोर लास्ट पे नहीं आ सकता, वन फर्स्ट पे नहीं आ सकता, तो देखो वन नहीं आ सकता, तो वन कहाँ आ सकता है? यहाँ आ सकता है, फोर टू वन थ्री आ रहा है कहीं पे? क्या फोर टू वन थ्री मेरा सही आंसर है? सोच के देखो उसने क्या बोला है, फोर लास्ट पे नहीं आ सकता, वन फर्स्ट पे नहीं आ सकता, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, और एक तीन से फॉलो नहीं कर सकता। यस, तो यहाँ गलती होगी ना, देखा यहाँ गलती होगी। सो अब कैसे करेंगे इसको? क्या टू मैं पहले लेके आऊँ? क्या मेरा टू पहले आना चाहिए? यस, टू मेरा पहले आना चाहिए, वन टू वन फोर थ्री। तो ऐसे चीज़ों को आपने कंपाइल सोच के करना है इस क्वेश्चन को, मतलब ऐसे नहीं है कि आपने करा और चल गया, नहीं, थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से। कितना आ गया? तो मेरे पास कितने आई है? ऑप्शन नंबर ए छः इज द
राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो 2143 यस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों. चलिए द लार्ज सिक्स डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिवाइड बाय 243. देखो 243 आपने क्या करना है, कुछ मत करो. लार्जेस्ट सिक्स नंबर डिजिट क्या है, ये हो गया 243 से डिवाइड करो इसे, फोर टाइम्स जाएगा ये. देखो 960 और 12 कितना होगा 972. ये कितने गया 7 पे, ये कितने गया आपके पास, ये कितने गया आपके पास 7, 7 बचा और ये कितना बचा 2, 9 आया. 243 6, ये कितना बचा 3, ठीक है जी. नेक्स्ट आ गया 9, फिर 1 पे गया 243, ये कितना बचा 6, ये कितना बचा 2, ये कितना बचा 1, सो 9. ये कितना बचाएगा, 5 पे जा सकता है, देखो जरा. तो 100, तो 1215 कितना बचा 54. डन. सो 55 टाइम्स 54, तो इसमें 54 माइनस कर दो भाई, कितना बचा 99945 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर. चलिए तो ध्यान रखना, ठीक है. चलिए नेक्स्ट इज अवर माइक्रोकोर्स. माइक्रोकोर्स व्हाट इज माइक्रोकोर्स, जैसे कि मैंने पूरे लेक्चर में बताया कि बेटा उन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन चीज़ों पे फोकस करना है जो मेरी चीज़ें कमज़ोर हैं, वही माइक्रोकोर्स है. माइक्रो का मतलब क्या हुआ, छोटा, छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना ही माइक्रोकोर्स है. डन. चलिए नेक्स्ट देखिए जरा क्या है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. चलिए चूज एग्जाम सिविल सर्विसेज सेट. देखिए यहाँ पे आएगा मेरा माइक्रोवर्स यानी माइक्रो कोर्सेस. यहाँ पे कुछ नहीं करना, 30 डिजिट का नंबर डालिए, टीम आपको डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कर लेगी. डन. देखिए मैं जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात करूँ, अब मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली जो मैं बताना चाह रहा था. देखो यहाँ पे क्या है, अगर नंबर सिस्टम की बात करूँ, 22% ऑफ क्वेश्चन इन मैथ एंड मेंटल एबिलिटी वर फ्रॉम दिस टॉपिक्स इन प्रीवियस प्रीलिम्स एग्जाम. तो बेटा 22% नंबर एक बहुत बड़ा डेटा होता है, इसीलिए कह रहा हूँ माइक्रोकोर्स लो. माइक्रो को क्यों बोल रहा हूँ भाई, इम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, रीज़न इसका यही है. रीज़न क्या है कि माइक्रोकोर्स के सारे आप छोटी छोटी क्वालिफाइंग नेचर है, मुझे 100 नंबर थोड़े लेने हैं, बट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो तो कर सकते हो. जैसे सिंप्लीफिकेशन है, और है कितने का, 308 रुपये का, यार क्या मिल रहा है उसमें, 10 लेक्चर्स दो दिन में देख बगाओगे यार आप, हैं 366 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और इसमें भी तो क्वेश्चंस होंगे लेक्चर्स में. डन. सिंप्लीफिकेशन 15.23 परसेंटेज 8.59 परमिटेशन कॉम्बिनेशन टाइम एंड डिस्टेंस एवरेज नंबर सीरीज लाइन चार्ट रेशो प्रोपोर्शन टाइम वर्क मेंसुरेशन 2D प्रॉब्लम्स ऑन एजेस एलसीएम मैथ्स से. बताओ क्या चाहिए, सब कुछ है, बस है नहीं तो क्या, वो आप लोग मिसिंग है. सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और माइक्रो कोर्स देखिए काम आएगा. थैंक यू.